तो दोस्तों, आखिरकार जैसी उम्मीद थी कि शिबा के प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, 10-15% की रैली इसके प्राइस में देखने को मिल सकती है, और वैसा ही यहां पर हुआ। लास्ट 24 आवर्स में अगर हम देखें, लगभग यहां पर इसका जो प्राइस है वो 15% से अबाव यहां पर बढ़ा हुआ, और यहां पर अगर आपने कल के दिन में से बाय किया 97 के राउंड आपको मिल रहा होगा, तो यहां से लगभग ये 11 के लेवल को हिट करके आया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर टारगेट सेट किया हुआ था कि ये 11 तक जा सकता है, आपको लगभग यहाँ पर 10-15% का प्रॉफिट ये निकाल कर दे सकता है, और वैसा ही यहाँ पर हुआ। और उसके साथ ही बर्निंग को लेकर बड़ी अपडेट भी आ गई है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि बड़ी बर्निंग होने वाली है, यहाँ पर बिलियंस ऑफ टोकन को बर्न किया जाएगा, तो उसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट आई हुई है। और एक बड़ा बर्न यहाँ पर किया गया है, लेकिन सिर्फ एक ही बर्न अभी हुआ है, और क्या कुछ आगे हो सकता है, अभी भी शिबा के प्राइस में एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है, उसकी बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले अगर आप यहां पर वॉल्यूम भी देखें, तो वॉल्यूम लगभग यहां पर 316% बढ़ा हुआ है, और वॉल्यूम बेसिस पर ये 13th नंबर पर रैंक कर रहा है। 747 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम है लास्ट 24 आवर्स में, और मार्केट कैप आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहां पर 6.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। साथ ही अगर हम आईएनआर में देखेंगे तो यहां पर 92 के लेवल के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। 11 यहां पर इसके लिए रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। अगर हम लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ का हाईएस्ट लेवल ये हिट कर चुका है। 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर के ऑलमोस्ट यहाँ पर ये हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकता है। अभी भी यहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल है कहने के वो 1.4 का है, तो यहाँ पर 1.2-1.4 का जो लेवल है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का वर्क कर सकता है, जहां से थोड़ा इसका प्राइस जो है वो नीचे की ओर आ सकता है। वॉल्यूम अच्छा खासा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि न्यूज यहाँ पर काफी बड़ी आ रही है बर्निंग को लेकर। जैसा कि इनकी टीम ने यहाँ पर कहा हुआ था कि बर्न इवेंट होगा, श्योरिटी है यहाँ पर, लेट जरूर हुआ, डिले जरूर हुआ, लेकिन फिर से यहाँ पर बर्निंग जो है एक बड़े अमाउंट में की गई है। हम यहाँ पर उसका एड्रेस भी देखेंगे, कितने अमाउंट ऑफ बर्निंग की गई है, कॉइनबेस के द्वारा भी बर्निंग की गई है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बर्निंग की, 89,000 डॉलर के जो टोकन से उन्हें यहाँ पर बर्न किया गया है, जिसके अगर हम यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 8.6 बिलियन टोकन यहाँ पर बर्न हुए हैं। लास्ट टाइम से ज़्यादा बर्न हुए, लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे लगभग 8 बिलियन के आसपास बर्न हुए थे, वहाँ पर 75,000 डॉलर के टोकन्स को बर्न किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो बर्निंग हुई है 89,000 डॉलर, थोड़ा यहाँ पर प्राइस जो है वो बड़ा भी अगर आप लास्ट टाइम से कंपेयर करेंगे, और इस वजह से यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। तो क्या इतना ही अमाउंट बर्न होने वाला था, या फिर और भी अमाउंट बर्न हो सकता है, उस पर भी हम आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेड वॉलेट में ये जो यहाँ पर शिबा इनू टोकन है नल एड्रेस में, उन्हें यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें, कितने आवर्स पहले का ये ट्रांजेक्शन है, तो लगभग लास्ट 8 आवर पहले यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन किया गया है, 16th of December को, यहाँ पर UTC टाइम के अनुसार इन्होंने ये जो टाइम जो है वो यहाँ पर शेयर कर दिया है। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ अदर एड्रेसेस की, जो भी यहाँ पर शिबा इनू को नल एड्रेस में मतलब डेड वॉलेट में ट्रांसफर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर होल्डर बेसिस पर देखें, होल्डर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, 1.36 मिलियन ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 13,61,000 यहाँ पर जो होल्डर्स की संख्या है वो हो चुकी है। काफी टाइम बाद होल्डर्स यहाँ पर इस लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो एड्रेसेस है जिनके द्वारा नल एड्रेस में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो लगभग 4 आवर पहले कॉइनबेस के वॉलेट के द्वारा भी एक बड़ा अमाउंट लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अमाउंट है उसे ट्रांसफर किया गया है। सबसे ऊपर आपको ये नल एड्रेस में दिखाई देगा, 9 लाख के आसपास टोकन से जिनको इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर किया हुआ है नल एड्रेस में। इसके बाद यहाँ पर 7 आवर जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगभग 8 घंटे होने वाले हैं, शिबा इनू डिप्लॉय टीम शिबेरियम की जो टीम है, शिबेरियम के थ्रू जो गैस फीस यहाँ पर कलेक्ट हुई है उसके थ्रू यहाँ पर ये अमाउंट ट्रांसफर किया गया है नल वॉलेट में 8.6 बिलियन का। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉबिनहुड के कुछ वॉलेट से जिन्होंने भी यहां पर अमाउंट ट्रांसफर किया है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है लेकिन रॉबिनहुड के वॉलेट के द्वारा कॉइनबेस, तो यहां से अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको क्लेरिटी हो गई कि यहां पर जो नल एड्रेस है उसमें एक बड़ा अमाउंट शिबा इनू कॉइन का बर्न कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, अभी भी यहां पर आप देखिए 89,000 डॉलर के शिबा इनू टोकन को बर्न किया गया है। लेकिन अगर हम टोटल ट्रांजेक्शन फीस की बात करें जो यहां पर कलेक्ट हुई है, जिसके बारे में यहां पर बताया गया था, वो आप यहां पर देख सकते हैं। लगभग 1.4 मिलियन बोन टोकन्स कलेक्ट हुए हैं गैस फीस के रूप में, जिनकी टोटल कीमत अगर हम देखें वो यहां पर 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हो रही है, लगभग यहां पर 10,23,680 डॉलर हो रही है। और यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ था कि हम इनिशिएट करेंगे 3 मैनुअली बर्न, अभी तक एक बर्न हुआ है जिसमें लगभग 89,000 डॉलर को बर्न किया गया है। और हमने यहाँ पर आपको कहा हुआ है, जैसा कि इन्हें टीम ने सजेस्ट किया हुआ है कि 70% यहाँ पर बर्निंग होगी गैस फीस की, तो अभी भी अगर आप देखें तो 70% नहीं, लगभग यहाँ पर 10% के आसपास ही अमाउंट है जिससे बर्न किया गया है।
तो अभी भी यहाँ पर बर्निंग जो है वो बाकी है, और इसी प्रकार से ऑलमोस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से जितने अभी टोकन्स बन हुए हैं उसी प्रकार की बर्निंग देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा होता है आने वाले 2 से 4 दिनों में तो हमें फिर से यहाँ पर प्राइस में रैली देखने को मिल सकती है। 1-1 के लेवल पर गया है, 1415 के लेवल को ये जरूर हिट करता हुआ नजर आ सकता है, तो आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना है। करेक्शन के साथ प्रॉफिट बुक करते हुए आप फिर से शिबा में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी बर्न पूरा नहीं हुआ है, बर्निंग अभी भी यहाँ पर बाकी है। दोस्तों और कोई भी अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाएं, सारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।